वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से सेब चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरी डॉक्टर संगीता केतन शाह को विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों के लोगों का भरपूर समर्थन और प्रेम मिल रहा है। जनसंपर्क अभियान में लोग स्वमेव उनसे जुड़ते देखे जा रहे हैं। आज हमारे साथ अभी खमरिया में मौजूद है डॉक्टर संगीता साहब, जो कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय प्रत्याशी है। आइए हम आज उनसे चर्चा करते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के पूर्व से पिछले लगभग डेढ़ दो साल से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी संगीता साहब जी सक्रिय रही है। महिला उत्थान को लेकर के लगातार इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि महिलाओं का एक बड़ा समूह आज स्वरोजगार से जुड़ चुका है। हाँ मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे कि क्योंकि आप लगातार वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, लेकिन हर वार्ड में यही चीज़ देखने को मिल रही है, लोगों की शिकायतें सामने आ रही कि यहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। जैसा कि हमारे द्वारा भी सुना गया, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कचरा फेंकने के लिए बाल्टी नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, पार्षद असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता। तो अगर आप जीत करके आते हैं विधानसभा चुनाव में वैशाली नगर से, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई। मैंने अभी कहा कि जिस तरीके से हम आज दिवाली के समय में घर की सफाई करते हैं और माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं और पूजा करते हैं, चाहते हैं कि घर स्वस्थ हो, हमारा परिवार स्वस्थ हो। मैं हर जगह सही में दौरा करके जो मैंने देखा है, महिलाओं को बहुत कष्ट में देखा है। आज साफ सफाई की सुविधा नहीं, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य की कोई भी सुविधा दिख नहीं रही है। इस तरीके से न स्वास्थ्य में असुरक्षित माहौल है। इस तरीके से चीज़ें जब देखते हैं तो दिल में बहुत दर्द होता है और महिला का दर्द महिला समझ सकती है। इसीलिए हमने खुद इस बार नामांकन भरा और कोशिश है कि विधायक होके आए और ये सारी परेशानियों को दूर करें। मैडम, दूसरी के सामने एक बात ये भी आती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा तो अभी हुई है वैशाली नगर की, लेकिन इसके पूर्व से आपके द्वारा लगभग, मैं तो खुद स्वयं देखते आया हूँ इस चीज़ को, जो डेढ़ दो साल से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए महिला उत्थान के विशेष कर कार्य किया जाए, तो आपकी किस तरह की योजनाएँ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने? हालांकि देखा जाता है, क्योंकि जो निम्न वर्गीय परिवार रहता है, सबरे पुरुष खाने कमाने निकल जाते हैं, महिलाएँ घर में बैठे रहती हैं, वो भी चाहती है कि दो पैसे कमाएँ, उसके लिए आपके पास किस तरह की योजना? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सालों से मैं काम कर रही हूँ ग्राउंड लेवल, चाहे यहाँ पे चाहे कहीं पे भी हो, सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा रही हूँ। मैं एक जन सेविका बोल सकते हैं आप मुझे। मैंने देखा है कि अगर हर वार्ड में महिलाओं के लिए अगर कुछ व्यवस्थित कर दिया जाए काम के लिए, क्योंकि सब बहुत कर्मठ महिला हैं, सब काम चाहती हैं, एक व्यक्ति से घर नहीं चला जा सकता है, तो वो कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। मैडम, मैं आपको यहाँ पर टोकना चाहता हूँ। मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि क्योंकि इनके इनको इन महिलाओं का इस खमरिया वार्ड के अलावा वैशाली नगर विधानसभा में जितने भी जो प्रत्याशी आए हैं, पहले के हो चाहे वर्तमान के हो, लेकिन लगातार आश्वासन ही दिया गया है, धरातल पर कोई चीज़ देखने को नहीं मिली, सब केवल फाइलों में ही सिमट के रहेगी। तो किस तरह से आपका प्रयास होगा कि महिलाएँ स्वरोजगार से जुड़ सकें? मैंने कहा क्या ये घर पे बैठ के काम करना चाहती है, जिसमें संसाधनों की कमी की वजह से ये बाहर नहीं निकल सकती है, तो मेरी कोशिश रहेगी जहाँ तक संभव होगा इनको घर पे ही काम इस तरीके से उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से दिया जाए। तो हर वार्ड, यहाँ पे एक से लेकर 37 वार्ड हैं, हर वार्ड की महिलाएँ बहुत सक्रिय हैं, उनको उनके घर तक, चाहे मसाला उद्योग हो, चाहे दोना पत्तल का हो, चाहे सिलाई कढ़ाई का हो, इस तरीके से काफ़ी काम को दिया जा सकता है, कर सकती हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती, जो कि सुविधा है, मगर घर तक गई ही नहीं है, और उन्हीं को उनके घर तक पहुंचा के उनको रोज़गार दिला के, मतलब ये मेरी प्राथमिकता है कि ये अपने बच्चों का एक अच्छा भविष्य देख सके, एक अच्छा भविष्य का परिकल्पना कर सके। महिलाओं की बात, युवा वर्ग को भी आपसे काफ़ी अपेक्षाएं, क्योंकि उन्हें भी मात्र कहा जाए, उन्हें ठगा जाता रहा आज तक, जो युवा पूर्व में जो थे आज भी उसी स्थिति में हैं, वो भी स्वरोजगार से वंचित है। इसके अलावा समस्याएं मैडम बहुत देखने को मिलती है वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, आज आपके माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे जो भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया है, हथखोद इंडस्ट्रियल एरिया है, वो मर सा गया है, कोई भी ऐसा रेवोल्यूशन नहीं आया है। मैं राजनीति नहीं, मैं जनसेवा करने आई हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ
कि आज युवाओं को अगर काम करना, आज इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतने ब्रांचेस उसमें नए नए ऐड हुए, मगर इस तरीके की कोई भी रोज़गार के लिए कोई नई इंडस्ट्री नहीं आ रही है, कुछ भी इस तरीके से बदलाव नहीं आ रहा है। जबकि अगर आप देखें तो उरला इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो वैशाली नगर विधानसभा पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो जनसंख्या है, जो जन है, वो बहुत कर्मठ है, युवा काम करना चाहता है, मगर कहाँ नौकरी दे, क्या काम दे? महिलाएं काम करना चाहती, क्या काम दे? क्योंकि कोई डेवलपमेंट ही नहीं है यहाँ पे, ये पीछे चलता जा रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरी जनता ये अपने से निर्णय करे कि इस बार एक जनप्रतिनिधि ऐसा ढूंढे जो विधानसभा पे काम कर पाए, फोकस काम कर पाए, ताकि ये जो विधानसभा हो वो डेवलप्ड हो, ये आगे जाए। ऐसे बहुत सारी नीतियां हैं जिस पे काम हो सकता है, हम भी देख रहे हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जिस दिन हम विधायक होके आएंगे तो हमारे युवाओं के पास नौकरी भी होगा, हमारे लोगों के पास सर पे छत भी होना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, और जो असुरक्षा का माहौल है, नशा मुक्त करना है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि इनके पास स्किल है, सिर्फ उनको सही रास्ते के लिए लीडर की ज़रूरत है। मैडम, अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप वैशाली नगर विधानसभा के सभी वार्डों में आप जा रही हैं, आज सभी पुरुष से जा रही हैं, लगातार आप जिन जिन वार्डों में जाती हो लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है, तो एक प्रकार से आपके ऊपर वैशाली नगर की जनता, चूँकि देखने को तो यही सामने नज़र आ रहा है कि विश्वास कर रही है, लेकिन मैडम एक सवाल यहाँ पे यह भी उठता है, चूँकि आप एक सशक्त प्रत्याशी कहा जाए बीजेपी की ओर से, आपने आवेदन भी दिया था, क्या वजह है कि आपको टिकट नहीं मिली मैडम? और जिन्हें टिकट मिली लगातार उनका विरोध भी होता रहा, लेकिन उन्हें टिकट मिल गई। देखिए, मैंने कहा अगर आप मेरे कोई भी पोस्ट में भी जाएंगे तो मैं हमेशा लिखती हूँ जनसेविका, क्योंकि हम दिल से काम करने वाले लोग हैं। राजनीति शायद इसी को बोलते हैं कि जो लायक कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा वेट करा दे, पीछे कर दे, हो सकता है ये राजनीति हो, मगर इस बार राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि मैं अपने विधानसभा को, या मेरी बहनें भी इतने जागरूक हैं, मेरे युवा पीढ़ी इतने जागरूक है कि उनको एक अच्छा जनप्रतिनिधि, एक लीडर चुनना है। तो मुझे इस बार तो बदलाव होते हुए दिख रहा है, और जो ये भीड़ जो है उनको बड़ी आशाएँ हैं मेरे से, क्योंकि वो जानते हैं जब हम उनसे मिलते हैं तो उनको पता है कि ये दीदी आएंगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही कर जाएंगी। उम्मीद है कि ऐसा ही आशीर्वाद बना के रखें ताकि हम सच में जनसेवा कर सकें। ये लगातार विधानसभा दौरा कर रही है, इस दौरे भ्रमण के जनसंपर्क के दौरान इन्हें जनता का भरपूर सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है, और कहीं कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि चूँकि जनसेविका संगीता साधी लगातार वैशाली नगर चुनाव होने के पूर्व से भी ये कार्य करते आई है, तो निश्चित ही अब यह तो मतगणना के उपरांत ही पता स्पष्ट हो सकेगा कि वैशाली नगर की जनता किस पर भरोसा करती है, और छत्तीसगढ़ विधानसभा में वैशाली नगर का कौन जनप्रतिनिधि चुनकर आता है जो छत्तीसगढ़ विधानसभा को सुशोभित करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन हेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।